तो हाय हेलो, कैसे हो। स्वागत है आप लोग का एक और अल्टीमेट कंपैरिजन वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं MG3 लाइट और M249 को। अब जैसा कि आपको पता होगा कि MG3 लाइट अभी कुछ टाइम पहले ही पबजी में ऐड हुई है और M249 में भी बहुत सारे ट्विक्स हुए हैं। मतलब भाई अब जो है आपको ये ड्रॉप भी नहीं मिलती, ये आपको नॉर्मली भाई पड़ी हुई मिल जाएगी जैसे M4 AKM मिलती है। और भाई इसमें अब आप थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स भी लगा सकते हो। तो इस वीडियो में भाई हम इन दोनों गन्स को कंपेयर करेंगे, बिल्कुल लेवल 3 से लेकर लेवल 1 के वेस्ट डैमेज को, लेवल 3 से लेकर लेवल 1 के हेलमेट डैमेज को, इनकी होल मैक्स शूटिंग स्पीड, जिससे हम लोग इनका फायर रेट निकालेंगे, इनकी रिकॉइल, इनकी अटैचमेंट्स और भाई बहुत कुछ। और ये देखेंगे कि भाई इन दोनों में से बेटर LMG कौन सी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं भाई हम हमारे सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि है हेलमेट डैमेज, जिसमें भाई हम इन दोनों ही गन्स का हेलमेट डैमेज देखेंगे और जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लेवल 3 के हेलमेट को। तो ये रही भाई इन दोनों ही गन्स की लेवल 3 के हेलमेट में फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकंड और ये रही थर्ड। अब भाई जल्दी से हम लोग एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। तो ये भाई आपके एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट बुलेट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब अगर भाई आप दोनों ही गन्स का भाई सेकंड बुलेट का डैमेज देखोगे लेवल 3 के हेलमेट पर, तो भाई वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, 1-2 HP का भी अंतर नहीं है। मतलब भाई बिल्कुल ही सेम डैमेज है। अब देखते हैं भाई लेवल 2 के हेलमेट का डैमेज। तो ये रही भाई आपके लेवल 2 के हेलमेट में फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई दो ही बुलेट में भाई लेवल 2 के हेलमेट को ये दोनों ही गन्स नॉक कर देती हैं। अब देखते हैं भाई एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रही भाई आपके एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट बुलेट और ये रही सेकंड। अब अगर भाई आप दोनों ही गन्स के लेवल 2 के हेलमेट के डैमेज की फर्स्ट बुलेट को कंपेयर करोगे, तो भाई यहाँ पे भी जो भाई डैमेज है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब 1-2 HP का भी अंतर नहीं है। अब आते हैं भाई लेवल 1 के हेलमेट के ऊपर। तो ये रही भाई लेवल 1 के हेलमेट पे आपकी फर्स्ट बुलेट और ये रही सेकंड। अब जल्दी से देख लेते हैं भाई एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू। और लेवल 1 के हेलमेट में भी भाई दोनों ही गन्स को भाई 2 बुलेट लग रही है एनिमी को नॉक या फिनिश करने के लिए। खैर ये रहा आपका एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू की फर्स्ट बुलेट और ये रही सेकंड। तो अगर भाई आप लेवल 1 की फर्स्ट बुलेट के डैमेज को भाई कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे भी जो डैमेज है वो एकदम सेम है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, जो कि भाई बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्योंकि भाई MG3 लाइट जो है भाई वो 7.62 वाली गन है, तो मेरे ख्याल से भाई उसका डैमेज थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होना चाहिए था, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही गन्स का जो डैमेज है वो एकदम सेम है, मतलब सारे ही हेलमेट में। अब देखते हैं भाई विदाउट हेलमेट भाई कैसा क्या डैमेज है इन दोनों ही गन्स का। तो ये भाई आपकी विदाउट हेलमेट फर्स्ट बुलेट और ये सेकेंड। यहाँ भी भाई सरप्राइजिंगली दोनों ही गन्स को भाई 2 बुलेट लग रही है, मतलब बंदे को नॉक या फिनिश करने में। अब जल्दी से देखते हैं एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रही भाई आपकी एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू की फर्स्ट बुलेट और ये रही सेकंड। अब विदाउट हेलमेट भाई अगर हम लोग दोनों ही गन्स के फर्स्ट बुलेट डैमेज को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ भी जो है भाई एग्जैक्टली जो डैमेज है वो एकदम सेम है, जो कि काफी भाई सरप्राइजिंग है। क्योंकि भाई दोनों ही गन्स जो LMG गन है और LMG गन्स का जो डैमेज रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। ऊपर से भाई MG3 लाइट जो है वो 7.62 की बुलेट यूज करती है, उसके बाद भी भाई उसको 2 बुलेट लग रही है बिना किसी हेलमेट के भी बंदे को नॉक या फिनिश करने में। अब आते हैं भाई हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि भाई वेस्ट डैमेज, जिसमें भाई हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेवल 3 का वेस्ट डैमेज। तो ये रही भाई आपके लेवल 3 के वेस्ट डैमेज में फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकेंड, ये रही थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई दोनों ही गन्स को भाई 6-6 गोली लग रही है लेवल 3 के वेस्ट के अगेंस्ट। और अगर भाई आप सेकंड बुलेट के डैमेज को कंपेयर करोगे, तो भाई यहाँ भी जो है भाई डैमेज एकदम सेम है, बिल्कुल भाई हेलमेट की तरह भाई वेस्ट में भी एकदम डैमेज सेम है। खैर भाई अब बात करते हैं लेवल 2 के वेस्ट डैमेज की। तो ये रही भाई आपके लेवल 2 के वेस्ट डैमेज में फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये रही फिफ्थ। दोनों ही गन्स को भाई यहाँ पे भी 5-5 बुलेट लग रही है लेवल 2 के वेस्ट के अगेंस्ट। और अगर भाई हम लोग दोनों ही गन्स के लेवल 2 के वेस्ट के सेकंड बुलेट डैमेज को कंपेयर करते हैं, तो भाई यहाँ भी बिल्कुल सेम है, मतलब भाई बिल्कुल भी जरा सा भी अंतर नहीं है मतलब डैमेज में। रहते हैं भाई अब हमारी लेवल 1 की वेस्ट के ऊपर। तो ये रही भाई आपकी लेवल 1 के वेस्ट के ऊपर फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकेंड, ये रही थर्ड और ये फोर्थ। तो भाई यहाँ पे भी एकदम एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ गोलियां लग रही है भाई दोनों ही गन्स को। और अगर भाई आप सेकंड बुलेट का डैमेज कंपेयर करते हो, तो भाई यहाँ भी जो डैमेज है वो एकदम सेम है। खैर अब जल्दी से देखते हैं भाई विदाउट वेस्ट कैसा क्या डैमेज है इन दोनों ही गन्स का। तो ये रही भाई आपकी विदाउट वेस्ट की फर्स्ट बुलेट, ये रही सेकेंड और ये रही थर्ड। तो यहाँ पर भी भाई दोनों ही गन्स को भाई सेम अमाउंट ऑफ बुलेट लग रही है विदाउट किसी वेस्ट के बंदे को नॉक या फिनिश करने में, मतलब 3-3 बुलेट लग रही है दोनों ही गन्स को। और अगर आप भाई यहाँ पे भी सेकंड बुलेट के डैमेज को कंपेयर करते हो, तो भाई वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो भाई इससे ये समझ में आता है कि भाई भले चाहे आप हेलमेट डैमेज देखो या फिर वेस्ट डैमेज देखो, विदाउट हेलमेट या फिर विदाउट वेस्ट डैमेज भी देखो, तो दोनों ही गन का जो डैमेज है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो कि है होल मैक्स शूटिंग स्पीड, जिसमें भाई हम लोग ये देखेंगे कि भाई इन दोनों ही गन्स का जो है फायर रेट क्या है। तो सबसे पहले भाई हम लोग देखते हैं MG3 लाइट की फायरिंग स्पीड, जिसमें भाई हम लोग 75 बुलेट्स फायर करेंगे 990 के भाई फायरिंग स्पीड पे। मतलब भाई इसमें जो है आपको भाई 2 मोड दिए हुए हैं, जिसमें भाई आप लोग इस गन की जो स्पीड है वो स्विच कर सकते हो। तो हम लोग जो है भाई एकदम फास्टेस्ट स्पीड पर इसको फायर करके देखेंगे।
तो 990 की स्पीड पर भाई 75 बुलेट फायर करने के लिए MG3 लाइट को लगते हैं भाई 4.43 सेकंड। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि भाई 660 की स्पीड पर भाई इसको कितना का टाइम लगता है 75 बुलेट को फायर करने में, तो उसमें भाई इसको टाइम लगता है भाई 7.01 सेकंड। अब जल्दी से भाई M249 की भी फायरिंग स्पीड देख लेते हैं कि मतलब 75 बुलेट्स फायर करने में M249 को कितना क्या टाइम लगता है। तो 75 बुलेट्स फायर करने में भाई M249 को टाइम लगता है भाई 6.47 सेकंड। अगर भाई आप इसको MG3 लाइट से कंपेयर करते हो तो भाई अगर आप MG3 लाइट को 990 की स्पीड में चलाते हो तो भाई वहाँ पे आपको 75 बुलेट्स फायर करने में लगते हैं 4.43 सेकंड्स। और M249 में जैसा कि आपको पता है भाई, देखिए स्पीड का तो कोई स्विच है नहीं, तो इसमें जो है भाई आपको 75 बुलेट्स फायर करने में लगता है भाई 6.47 सेकंड। जिससे भाई आप क्लियरली समझ सकते हैं जो MG3 लाइट है उसकी भाई फायरिंग स्पीड ज़्यादा है M249 से। अब आते हैं भाई हमारे चौथे पॉइंट पर जो कि रिलोडिंग स्पीड। अब जैसा कि आपको पता है भाई MG3 लाइट में तो आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं मिलती लगाने के लिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई 75 बुलेट्स को रिलोड करने में MG3 लाइट को कितना क्या टाइम लगता है। तो 75 बुलेट्स को रिलोड करने में MG3 लाइट को लगते हैं 8.1 सेकंड्स। अब जल्दी से M249 का रिलोडिंग टाइम लिख लेते हैं। तो विदाउट किसी अटैचमेंट के मतलब भाई विदाउट किसी भी मैक के मतलब ना तो क्विक ड्रॉ ना तो एक्सटेंडेड, M249 को 75 बुलेट्स को भाई रिलोड करने में टाइम लगता है एक्जैक्टली 8.1 सेकंड, जो कि एकदम सेम है भाई MG3 लाइट के जैसे। पर जैसे कि आपको पता होगा कि भाई M249 में जो है भाई अब हम लोग अटैचमेंट लगा सकते हैं अपडेट के बाद, तो M249 में अगर भाई आप लोग सिर्फ क्विक ड्रॉ मैक यूज़ करते हो तो भाई क्विक ड्रॉ मैक यूज़ करने के बाद M249 को 75 बुलेट्स भाई रिलोड करने में टाइम लगता है 5.7 सेकंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है M249 का, क्योंकि देखिए क्विक ड्रॉ मैग मिलना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब भाई आपको लिटरली कहीं भी आराम से मिल जाएगा। और भाई अगर आप लोग M249 चला रहे हो तो भाई मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्विक ड्रॉ मैग के भाई आपके पास भाई क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड मैग भी हो सकता है। अब आते हैं भाई हमारे पांचवे पॉइंट पर जो कि भाई रिकॉइल। अब देखिए MG3 लाइट में आपको भाई सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि इसमें जो है भाई आप इसकी फायरिंग स्पीड को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर भाई आप इसको क्लोजिंग में यूज़ करने वाले तो आप भाई इसको 990 की स्पीड में यूज़ करिए, और अगर भाई आप लोग इसको स्प्रे करने के लिए यूज़ करें तो भाई आप जो है इसकी स्पीड को स्विच कर सकते हैं, जिससे भाई इसकी रिकॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। हालांकि जो शेकीनेस है वो तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बट अगर भाई आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो तो इसकी जो 660 वाली रिकॉइल है उसको आप भाई इजीली संभाल सकते हो। वहीं अगर भाई अब हम लोग M249 को देखते हैं तो देखिए भाई बिना किसी स्टॉक के तो M249 की जो रिकॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मोस्टली भाई इसको जो लोग हैं भाई क्लोज रेंज में यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि अब भाई इसमें स्टॉक लगाना अवेलेबल है, मतलब भाई आप इसमें ईजिली स्टॉक लगा सकते हो। देखिए स्टॉक मिलना कोई बड़ी बात भी नहीं है, मतलब ईजिली मिल जाता है आपको बहुत ही आराम से। तो भाई अगर आप इसमें स्टॉक लगाते हो, और इवन भाई यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग भी लगा दिया, तो भाई अब ज़रा देखते हैं इसकी जो रिकॉइल है भाई वो कैसी क्या जाती है। तो यहाँ पे भाई मैंने लिटरली अभी 150 गोलियाँ फायर करी है रेड डॉट लगा के, और मैंने जो है भाई स्टॉक भी लगा लिया था। तो देखिए रिकॉइल जो है वो तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि भाई अब लगातार जो है भाई 150 गोलियाँ फायर कर रहे हो, बट स्टॉक लगाने के बाद जो है भाई वो वर्टिकल रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है अगर भाई आप बिना स्टॉक के कंपेयर करो तो। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल है वो तो थोड़ी बहुत रहती है, बट फिर भी जो वर्टिकल रिकॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो बात करते हैं हमारे लास्ट और 6 पॉइंट की, जो कि भाई हमारा कंक्लूजन। तो देखिए भाई मेरे हिसाब से जो है भाई M249 ज़्यादा बढ़िया गन है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं जो डैमेज है दोनों गन का वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब भाई 1-2 HP का भी अंतर नहीं है। हालांकि भाई आपको MG3 लाइट में फायरिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, बट भाई वहीं अगर आप M249 में एक्सटेंडेड मैग लगाते हो तो भाई आपको 150 बुलेट मिलती है, जो कि भाई मोर देन इनफ है, क्योंकि भाई आप 150 गोलियों से लिटरली भाई पूरी एक स्क्वाड को मार सकते हो, फिर भी आपको रिलोड करने की जरूरत ना पड़े। और जैसे कि आपको पता होगा जो MG3 लाइट है वो एक ड्रॉप गन है, तो अब भाई अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो M249 आपको बहुत ही ईजिली मिल जाती है आजकल, मतलब कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी नॉर्मली घर वगैरह में। बट भाई MG3 लाइट के लिए भाई आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली एकदम ड्रॉप में ही आती है। तो अगर इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर भाई आप लोग के कोई और थॉट्स हैं इन दोनों गन को लेके तो भाई आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर भाई आप लोग को इस सीरीज में कुछ और भी ऐड करना है तो आप मुझे जरूर से बता सकते हैं, उसको भी अगले वीडियो से ऐड कर लूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।